है यहाँ पे जो बुद्धा जी की स्टैचू है, यहाँ पे लिखा है आई लव स्पीति काजा 0 किलोमीटर। तिब्बत के साथ काफी मिलता जुलता है यहाँ का कल्चर। वो दिख रही है कितनी धूल उड़ रही है वहाँ पे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए व्लॉग में काजा से। आज हमारा काजा में फर्स्ट डे है। आज हम मस्त देर तक सोए, आराम से उठे, नहाए धोए, खाना खाया और अभी दिन के 11:15 हो रहे हैं। मेरे पीछे देखो ऊपर ऐसे ऐसे पहाड़ और सामने तो बर्फ है। तो आज हम लोकल यहीं पे काजा में घूमेंगे थोड़ा बहुत। यहाँ पे काजा में मोनेस्ट्री है और लोकल मार्केट होगी इधर, और इधर जो भी आसपास चीज़ें होंगी थोड़ा बहुत वो घूमेंगे। और आज का प्लान है कि हम काजा में ही रहेंगे तो। और मॉर्निंग में हमारे सामने है स्नो कवर्ड माउंटेन्स यहाँ पे इस साइड को, और इस साइड को है जहाँ पे बर्फ़ पिघल गई है। और मौसम आज काफ़ी साफ है। आज मतलब थोड़े थोड़े बादल हैं और काफ़ी कड़ी धूप पड़ी है। इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है आज, कल भी नहीं थी इतनी ठंड। तो ये है डिम्पल वहाँ पे है ऊपर, काजा मोनेस्ट्री यहाँ पे है। यहाँ जाएंगे अभी हम, ये ऊपर वहाँ ऊपर छोटा सा बुद्धा का स्टैचू भी है और ये मोनेस्ट्री है, तो इधर जाएंगे। ये चश्मे हमारे नहीं हैं, ये भाई के हैं तो जिनके हम रहे हैं। अगर हम इनको पहनते हैं तो हम लगेंगे ऐसे। तो घूम फिर के काजा मोनेस्ट्री की तरफ जा रहे हैं। तो रात को जहाँ हम रुके थे वो है ओल्ड काजा, नहीं न्यू काजा है ना वो, न्यू काजा। और एक ब्रिज जाता है बीच में, उससे उधर को है ओल्ड काजा। तो हम जा रहे हैं मोनेस्ट्री की तरफ। ये पहुँचे हम काजा मोनेस्ट्री के गेट के पास। अरे यहाँ से चलते अंदर। ये है काजा मोनेस्ट्री, बड़ी है यार। तो अभी हम लोग पहुँच गए काजा मोनेस्ट्री। जब मैं लास्ट टाइम आई थी तब तो हम आई नहीं थी यहाँ, और बनी भी नहीं थी शायद इतनी अच्छी, तो यह हमें पता नहीं था। लेकिन अभी जो मेरे सामने हुए काजा मोनेस्ट्री, यहाँ कुछ नोटिस लगाए ये पढ़ लेना। वो यहाँ आने के बाद हमारी पहली मोनेस्ट्री होने वाली है। ये शूज खोलने हैं बाहर, शोर नहीं करना है। तो हम यहाँ शूज उतारे, सॉक्स भी शूज खोल दिए यहाँ पे, अब अंदर चलेंगे। लोग अभी मोनेस्ट्री से आ गए हैं, थोड़ी देर वहाँ बैठे और बहुत पीसफुल है यार अंदर। तो मोनेस्ट्री से चल के हम आ गए हैं और काफ़ी पीसफुल थी यार, मतलब अंदर इतना अच्छा लग रहा था ना। हम थोड़ी देर बैठे भी और सामने यहाँ पे बिल्कुल माउंटेंस दिखाई दे रहे हैं। और अब जाएंगे थोड़ा नीचे, वहाँ पे कुछ बना है और वहाँ लिखा है आई लव स्पीति, वहाँ भी जाते हैं। हाँ दिख रहा होगा आपको ऊपर बुद्धा का स्टैचू, हम यहाँ जाएंगे थोड़ी देर से। फिलहाल के लिए जाएंगे, कहाँ जा रहे भाई बता? आई लव स्पीति के पास। इनको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता इनको क्या बोलते हैं, पर देखो यहाँ कितने अच्छे लाइन में है। और तो ये वाली जगह है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा है आई लव स्पीति। और पीछे का व्यू तो दिख ही होगा, माउंटेन्स तो हर जगह से दिख रहे हैं। फिलहाल तो हम यहाँ पे बस फोटोज ही ले रहे हैं, जहाँ जहाँ हमें दिख रहा है कि यहाँ फोटो लेना वहाँ फोटो लेना, फोटोज ले लेते हैं, फिर ब्लॉग तो साथ साथ में बनता ही रहेगा। काजा 0 किलोमीटर का बोर्ड, गेट अभी इसका बनना भी नहीं है जहाँ हम जा रहे हैं। तो हम पहुँचने ही वाले हैं और रास्ते में ये सारे फ्लैग्स लगे हैं, बुद्धिस्ट फ्लैग होते हैं ना, जो इसमें मंत्र लिखे होते हैं और जिस डायरेक्शन की तरफ हवा के साथ ये जाते हैं उसी डायरेक्शन में वो मंत्र भी जाते हैं। अब ये हमारी तरफ आ रहे हैं, तो मंत्र आ रहे हैं हमारी तरफ भी, पॉजिटिव वाइब्स वाले। देखो पीछे को, तो जितना हम ऊपर ऊपर को चल रहे हैं ना उतना ही नीचे का व्यू ज़्यादा दिखने लग गया है। जैसे ही हम बुद्धा के स्टैचू के पास पहुँचेंगे तो काजा पूरा दिखेगा हमें, स्पीति रिवर भी दिख जाएगी, है ना। किसी भी जगह को घूमने के लिए ना एक दो दिन तो उस जगह पर रहना ही पड़ता है, तभी उसके बारे में ज़्यादा पता चलता। और ये पहुँचे हम बुद्धा की स्टैचू के पास 5 से 10 मिनट चलने के बाद, और यहाँ कितने सारे फ्लैग्स लगे हैं। चलेंगे थोड़ा और ऊपर,
ऊपर से देखते हैं क्या दिखता है। इतनी हाइट में चल के आने के बाद जो व्यू दिखता है ना वो दिखाते हैं आपको। पूरा काजा दिख रहा है, स्पीति रिवर दिख रही है, सब कुछ। तो ये है पूरा न्यू काजा, वो है पुराना काजा, और आगे ये वाली स्पीति रिवर दिख रही है जो आगे थोड़ा सा दिख रहा है। सामने जो है ना वहाँ पे कुछ लोगों ने ये भी बनाया है, पता नहीं कैसे गए होंगे वहाँ। ये मोनेस्ट्री से हम जाके आए थे अभी, तो अभी हम थोड़ा और ऊपर आ गए हैं। तो ये है यहाँ पे जो बुद्धा जी की स्टैचू है, और ये दिख रहा है पूरा काजा। साथ में यहाँ से ऐसा लग रहा है कि बुद्धा जी पूरा काजा को यहीं से देख रहे हैं। टॉप वाले पोर्शन से यहाँ से दिख रहे हैं, बुद्धा जी भी दिख रहे हैं, पीछे का व्यू भी बहुत अच्छा दिख रहा है, और पता इतना मज़े आ रहे हैं ना, बहुत मज़े आ रहे हैं। चल पड़े हम लोग यहाँ से वापस, बहुत ही पीसफुल था यहाँ पे। अगर आप लोग काजा आओ और यहाँ तक जरूर आना, एक बार ये देख लेना, यहाँ से पूरा काजा दिखता है। मतलब ऐसी ऐसी चीजें जो आपको नीचे, ऐसी ऐसी चीजें जो आपको नीचे से नहीं दिखेगी चीजें। काजा बोलते बोलते ना सौजा हो गया मेरा। काजा, इसका नाम काजा नहीं है, इसका नाम काजा है। काजा 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 काजा, पता नहीं जो भी है। और सामने तो है इतने बड़े बड़े सूखे पर्वत, जो स्नो लेपर्ड होते इस इधर होते हो टॉप टॉप में ऊपर कहीं, अगर इधर होते होंगे तो। और एक चीज़ जो थी, जो मेरा ना जो और जो हो गया आज यार, और एक चीज़ ये है कि जो स्पीति है ना, यहाँ का कल्चर काफ़ी सिमिलर है तिब्बत की तरह। तिब्बत के साथ काफ़ी मिलता जुलता है यहाँ का कल्चर, या जितने भी यहाँ के रीति रिवाज या वो है, तिब्बत से ज़्यादा वो करते हैं, रिजेंबल करते हैं। तो इनके जो गुरु भी है वो भी तिब्बत से ही है ना, दलाई लामा, तो वो भी तिब्बत से ही आए थे, तो उन्हीं को ये मानते हैं। और इधर काफ़ी सारी मोनेस्ट्रीज बनी है, इनॉग्रेशन भी उन्होंने ही किया है यहाँ पे भी, काजा में भी। ये बनाया है स्तूप, और ये जो पहले भी हमने यहाँ फोटोज लिए थे ये सारे स्तूप है बने हुए। पहले मेरे को याद नहीं आते इनको क्या बोलते हैं, स्तूप। हम लोग चल पड़े भी स्पीति रिवर की तरफ आगे जाके, पर साथ में काजा काफ़ी पीछे रह गया है। पहुँच गए हम स्पीति रिवर के पास, काजा रह गया वहाँ पे, ये सारा काजा। और हम अग्रसर हो रहे हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन, वो है स्पीति रिवर। लग रहा है जो रिवर के पास हम जा रहे हैं ना, ये स्पीति रिवर है, और ये सतलुज में मिलती है खाप के पास। खाप रास्ते में जब हम कल आए थे ना, रास्ते में जगह आती है खाप, वहाँ पे दोनों रिवर मिलती है, फिर ये सतलुज में मिल जाती है, फिर सतलुज आगे जाती है। वहाँ देखना पीछे से इतनी धूल आ रही है। वे आर यू फ्रॉम? भोपाल। भोपाल मध्य प्रदेश, क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। ग्रीन सिटी। यहाँ कैसा लग रहा है फिर? Awesome. कितने दिन हो गए? We are from Shimla. Oh, okay. Bye bye. Bye. Enjoy your journey. Bye. हवा बहुत तेज चल रही है तो मुझे जोर से बोलना पड़ रहा है। और यहाँ पे लोग मध्य प्रदेश से आए हैं यार, मध्य प्रदेश से, भोपाल से आए हैं तो और हम पता कहाँ पहुँच गए हैं, चारों तरफ देखना हमारे यार, ये पहुँचे हम इधर, कुछ नहीं है इधर है रिवर, यहाँ पे पीछे रिवर के पास पहुंच गए। अभी ना जूते खोल के रिवर में एंट्री मारते हैं, थोड़ा जरा हम भी तो मजे करें कुछ पानी के साथ। वो दिख रही है कितनी धूल उड़ रही है वहाँ पे, ये आ रही है यहाँ से आ रही है रिवर स्पीति। मेरे शूज गंदे हो गए, मैं इनको साफ करूंगी अभी यहाँ पे, ये थोड़ी साफ सुथरी है। प्रकार अपने क्या कर रहे हो आप बुई जी? मेरे जूते गंदे हो गए, मैं इनको साफ कर रही हूँ। और वजह क्या थी? वजह मैं कीचड़ के ऊपर चल पड़ी। अब कब बड़ी होगी ये लड़की? तू कब होगी? अपनी हरकतें देख पहले। बादल भी आ गए पीछे के, बादल देख तो कितने ऊंचे पीछे। अब हम करने वाले एंटर पानी में, ये बोल रही है
डिंपल बहुत ठंडा है, जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं। ये पानी में ठंडा ठंडा पानी है, याद आएगी नानी मेरी तो है ही नहीं। चलो इतना ठंडा पानी है ना भाई, पूछो नहीं, बहुत ठंडा पानी है। और इधर से देखो क्या बादल आ गया, मस्त एकदम। और इधर का व्यू ऐसा है, डिंपल क्या बना रही है यहाँ पे, मैं तो कंप्लीट कर रही हूँ लोगों का। डिंपल ने बनाया ये, अब मेरी टर्न है, अब मैं भी बनाऊंगी एक। कंस्ट्रक्शन के लिए हमें चाहिए पत्थर, छोटे बड़े। तो हम लोग चल पड़े यहाँ से वापस, क्योंकि टाइम हो गया बहुत ज्यादा, 2:15 हो गया और हम पता नहीं कब क्या है यहाँ, हमने टाइम भी नहीं देखा और काफी मजे आ रहे थे। तो वापस जाते अब रिवर क्रॉस करके। ये बादल भी आ गए काफी अच्छे अच्छे, चले वापस। अभी हम यहाँ आ गए, चलते हैं वापस। जूते हमने वहाँ पीछे खोले हैं तो अब वहाँ तक नंगे पाँव एक बार बीच में फिर से स्पीति रिवर क्रॉस करनी है, फिर जूतों के पास पहुँचेंगे। और मैं हूँ काजा, मैं और 10 सब्सक्राइबर्स और रहते हैं, देन वी आर एटी की फैमिली। क्यों इतने सारे कौए उड़ रहे हैं यहाँ पे? यहाँ एक नया घर बन रहा है ना, ये भी इसको पुराने डिजाइन में ही बना रहे हैं, बाहर से इसमें मिट्टी लगाई है ताकि अंदर के गर्म रहे। हैं क्या है अंदर, देख नीचे मिट्टी डाली है, ऊपर को भी लकड़ी का ही ऐसे इस टाइप के घर बनते हैं। तो कुछ इस टाइप के घर बनते हैं। काजा लंच आ गया है, सीधे हम डायरेक्ट वहाँ से लंच करने आ गए क्योंकि हमें लगी थी भूख, अब खा लेते हैं पहले खाना। तो अभी हम लोग लंच करके रूम आ गया वापस क्योंकि काफ़ी थक गया है, ऊपर भी चल के गए थे आगे रिवर तक भी चल के गए थे और मज़े तो बहुत के लेकिन थक गया। टाइम बज रहा है अभी दिन के 4:15 हो रहे हैं, तो अभी रेस्ट कर लेते हैं थोड़ी देर, फिर शाम के 6 बजे के आसपास जाएंगे फिर से। मैं लंच करके रूम और मस्त लेट गए, अब बज रही है 6:30 और आए बाहर, अब देखते हैं, देखोगे पहले ये वाला पहाड़ कैसा लग रहा है, बहुत गच्छ लग रहा है। ये देखो सनसेट हो रहा है, थोड़े बादल आए हैं ना तो ऐसा लग रहा है अभी। अब हम जा रहे हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं काजा मार्केट, और इधर देखो बाइकर्स जो सारे कि बाहर से आए होंगे, और ऐसी कुछ शॉप्स हैं यहाँ पर, स्पीति आर्ट्स एंड क्राफ्ट। एक सीक्रेट की बात बताऊं, ये यहाँ की मार्केट बहुत महंगी है, यहाँ से कुछ नहीं होते। ये देखो यहाँ फॉरनर भी आए, इनका कुत्तों का। तो मैं बता रही थी यहाँ मार्केट के बारे में, जो चीज़ आपको नीचे 100 रुपए की मिलेगी वो आपको यहाँ पे कितने की मिलेगी, 150 रुपए की, 160 रुपए की नहीं, वो आपको 500 तक पड़ जाएगी बढ़ा चढ़ा के। एग्जाम्पल भी, तो एग्जाम्पल अभी हम कुछ लिया नहीं हमने, वो एक गांव की, वो तो एक गांव की बात थी कि वहाँ पे चिंगम भी 4 रुपए का एक देते हैं, यहाँ कुछ मिट्टी में गांव है। और ये है काजा के खेत, कुछ ऐसे खेत होते हैं यहाँ पे, मतलब मेरे को लगता है कि पहले इधर को भी खेती होती, इधर को भी पहले खेती थी पर बाद में इन्होंने इसको इधर कर दिया। अब इधर तो सबने टूरिज्म का खोल के रखा है बिजनेस, तो कुछ ही खेत बचे हैं यहाँ पे। यहाँ पर भी लोगों ने खेत में अब ये टेंट बना दिए हैं टूरिस्ट के लिए,
तो टूरिज्म जो इसके पीक पे होता है ना वो आजकल है यहाँ पे, मतलब कोई भी जगह खाली नहीं जाती है, रहने के लिए जगह नहीं मिलती है और सारी जगह पैक रहती है, फुल रहती है, तो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आ गए हैं यहाँ पे। और तो खेत भी लोग देखो ऐसे ही कर रहे हैं। पर लेकिन सर्दियों की यहाँ की लाइफ बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि कुछ भी नहीं होता, यहाँ बर्फ़ पड़ती है और खाने वगैरह की फसलें पता नहीं कैसे करते हैं ये लोग यार, मतलब काफ़ी मेहनती होते हैं यहाँ के लोग। और हम लोग आए अभी यहाँ पे टैक्सी का पूछने कल के लिए, कहीं निकलेंगे तो यहाँ बसेस शाम को ही चलती है, दिन को नहीं चलती क्योंकि हमें शाम को वापस काजा रहना है, तो हमें चाहिए था कि दिन को कोई मिल जाए, तो देखेंगे क्या बोलते हैं। यहाँ तो बहुत सारी वैरायटियाँ लगी हुई हर एक चीज़ की, ऐसा सामान मिलता है यहाँ, ये शायद लांग है। तो आज डिम्पल बना रही है भिंडी की सब्जी, ये किसी और को कुकी नहीं करने दे रही है, इसको पता नहीं, या तो ये प्रैक्टिस कर रही है। इसको भी खाना बनानी है तो ये प्रैक्टिस कर रही है, किसी और को खाना बनानी नहीं देती है, बोलती है मैं बनाऊंगी। मुझे बर्तन नहीं मांजने होते, दैट्स व्हाई इसको ना बर्तन नहीं धोने होते ना, तब ये खाना बनाना प्रेफर करती है। फिलहाल के लिए हम जाते हैं बाहर क्योंकि हमें तो बर्तन धोने हैं ना, हम तो बर्तन धोने वाली टीम में हैं, तो बर्तन धोएंगे बाद में, अभी बना रही है तो बनाने देते हैं। तो ये भिंडी बनाई है डिम्पल ने, खा के बताऊंगी कैसी बनाई है। तो डिम्पल ने अच्छी सब्जी बनाई थी, पहले मैंने ये बताना था, फिर साथ में ही मैंने बोलना था अब करते हैं आज का व्लॉग एंड, क्योंकि टाइम हो गया बहुत ज़्यादा, कितना हो गया 10:24 हो गए हैं। और गाइस अब हम सो रहे हैं, अब हमें सोने दो सोने दो क्या मतलब रोक रहा है दर्दों की डिम्पल मत सो। तो ये आज का ब्लॉग खत्म नहीं हुआ, मैं दोबारा एंड कर रही हूँ क्योंकि पहले कैमरा थोड़ा मैला था, इसको बोले यार बंद कर ले, क्या है तू भाई। तो ये था आज का व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज मधु वर्मा साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर, न्यू बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, मतलब अभी भी उस टाइम तो इवनिंग हो रही होगी, कुछ भी हो रहा होगा जिस भी टाइम आप देख रहे हो, मॉर्निंग में देख रहे हो, गुड मॉर्निंग, दिन को देख रहे हो, आफ्टरनून, बंद कर यार, और नाइट में देख रहे हो तो गुड नाइट, नाइट को देखेंगे, गुड नाइट बाय। और साथ में चैनल पे हो गया है 80K सब्सक्राइबर्स, तो आप सभी का दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच।